दोस्तों, किंग खान की फिल्म डंकी ड्रॉप 2 पर साउथ सुपरस्टार कमल हासन का शानदार रिएक्शन सामने आया है। फिलहाल शाहरुख खान की इस फिल्म का साउथ बॉलीवुड में काफी ज्यादा क्रेज बना हुआ है। एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान कमल हासन डंकी पर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए। कमल हासन डंकी को लेकर कहते हैं कि ये फिल्म लंबे समय तक थिएटर में चलेगी और रिकॉर्ड बनाकर जाएगी। वही दोस्तों, डंकी का क्रेज भी काफी ज्यादा हो चुका है। फिल्म का कितना कलेक्शन होगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी होने वाली है, ऐसा अंदर से खबर आई है। कुछ जा कहना है कि डंकी 3 इडियट से भी 100 गुना अच्छी फिल्म है। शाहरुख ने पठान से 1000 करोड़ किया, फिर जवान से 1000 करोड़ किया, अब डंकी कितना कलेक्शन करेगी ये आप लोग बताना। लेकिन इस बार डंकी अकेले नहीं है, साथ में साउथ फिल्म भी आ रही है। फिलहाल डंकी के एक ड्रॉप ने ही पूरा सोशल मीडिया हिलाकर रख दिया, इस तरह का क्रेज है। शाहरुख फैंस भी झूम उठे हैं। दोस्तों, जवान के बाद शाहरुख खान एक बार फिर अपनी फिल्म डंकी से बॉलीवुड में वापसी कर चुके हैं। वही डंकी का प्रमोशन भी धमाकेदार लेवल का चल रहा है। शाहरुख खान के फैंस का टारगेट ये है कि इस बार पहले दिन डंकी सभी इंडियन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। दोस्तों, किंग खान की फिल्म डंकी इस बार जवान से भी ज्यादा कमाई करने वाली है। दोस्तों, इस बार ये फिल्म 2000 करोड़ की कमाई कर सकती है, क्योंकि इसके मास्टरमाइंड राजकुमार हिरानी हैं, जिन्होंने अभी तक सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में ही बनाई हैं। इसलिए डंकी पर ऑडियंस को पूरा भरोसा है और ये फिल्म दुनिया भर से इतना कलेक्शन करेगी कि बॉयकॉट गैंग को गिनती नहीं आएगी। लेकिन रास्ते में एक बड़ी चुनौती है, जिसको आप सब जानते हैं। मास एक्शन के बादशाह प्रशांत नील, उनकी फिल्म सालार भी डंकी के साथ साथ चल रही हैं। ओवरसीज में जो प्लान डंकी के मेकर्स बना रहे हैं, सालार भी वही कर रही हैं। दोस्तों, फिल्म के गाने भी काफी महंगे बनाए गए हैं और ऐसे में फिल्म से ऑडियंस को काफी ज्यादा उम्मीद है। इसलिए ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि डंकी और सालार किसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में हमें बताएं कि डंकी या सलार कौन सी फिल्म आगे जाएगी।